सागर जय कबीर सती हूँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी मूर्त पवन सुत नामा कुबेर विक्रम बजरंगी शार सुमति के संकी कंचन वरन विराज सुबैसा कानन कुंडल कुंचित केसा जय हनुमान ज्ञान सागर जय कबीर सती हूँ लोक उजागर जय इसी चल के तो प्रतीक्षा थी हमें, अब हम सैम पक्षी राजगुरु से उड़ना सीखेंगे। ना सुंदर है ये नगर। अद्भुत, कितना भव्य है ये नगर। कौन है ये अनोखा बालक? वानर लगता है। आपको अंजनी पुत्र मारुति का प्रणाम, सब कुशल मंगल। अतिथि से ऐसा बोला? ची 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 ची। महाशय, आप बता सकते हैं पक्षीराज गरुड़ के महल का मगरे कहाँ है? अपना मुख मंद दीजिए, अन्यथा मक्खी प्रवेश कर जाएगी। हाँ, अब देखे, परंतु मुख बंद कर लेंगे तो मगरे कैसे बताएंगे? धन्यवाद। तो वो महान गरुड़ सैनिक होंगे जो आकाश मगरे की भी रक्षा कर रहे हैं। साधार पक्षीराज गरुड़ सभा में पधार रहे हैं। बोले हमारे भाभी गुरु पक्षीराज गरुड़, जाके उनके चरण पकड़ लेते हैं, वो अवश्य हमें अपना शिष्य बना लेंगे। एक वानर बालक गरुड़पुरी में क्या कर रहा है? आपके महाराज, पक्षीराज गरुड़ से हमें कार्य है। और क्या है वो विशेष कार्य? व्यक्तिगत है, हम आपको नहीं बता सकते। तो हम भी आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। परंतु वो प्रजा की सभा में जा रहे हैं, वहाँ जाकर हम भी उन्हें अपनी समस्या बताएंगे। प्रजा की सभा गरुड़ों के लिए है, तुम वानरों के लिए नहीं। चलो जाओ यहाँ से। ये कैसी विडंबना है प्रभु, आपके ही अंश मारुति को पक्षीराज गरुड़ से मिलने हेतु इस प्रकार तिरस्कृत होना पड़ रहा है। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मूल्य तो चुकाना पड़ता है देवी, और ज्ञान प्राप्ति के इस मार्ग में निराकरण और निराशा भी आएगी, यही नियम है। परंतु प्रभु, यदि मारुति गरुड़राज से मिल ही ना पाए तो कैसे मिलेगा ज्ञान, कैसे सीख पाएंगे वो उड़ने की कला? बड़े से बड़ा पर्वत भी छोटे छोटे पगों से नापा जाता है देवी। यात्रा में बाधाएं आएंगी, परंतु धैर्य से बिना रुके एक एक पग को चलते रहना होगा, तभी गंतव्य तक पहुंचेंगे। क्या करें, यहाँ तो प्रवेश करना असंभव लग रहा है, तो क्या लज्जा से मेरू? ये संसार कर्म प्रधान, हमारे हाथ में कर्म का फल नहीं, केवल हमारा कर्म है। और यदि पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म करे तो फल सकारात्मक ही होगा। उचित है माता, मर करके आपकी वाणी, मारुति ने ये है थानी,
कि हम पक्षी राजगुरु से मिलकर रहेंगे। कि बार काल कोठरी में डाल दूंगा उदंड वानर। क्या करूं क्या करूं? एक और उपाय, चल मारुति दिखा दे अपना चमत्कार। प्रभु, मारुति की यह दशा हमसे देखी नहीं जा रही। किस प्रकार भूख प्यास से जूझते हुए पक्षीराज से मिलने हेतु वो व्यर्थ प्रयास किए जा रहे हैं। जितनी उनकी चेष्टा विफल होगी उनकी निराशा उतनी ही बढ़ जाएगी, और इससे आरंभ होगा इस लीला का आगामी अध्याय, जिसके अंतर्गत मतंग ऋषि माता अंजनी और राजा केसरी से मिलने उनके द्वार पहुंच चुके हैं। देवी, आपने हमसे कहा था कि मारुति की ऊर्जा को उचित दिशा में संचालित करने का उपाय ढूंढना होगा। हमारे पास इसका हल है। क्या हल है गुरुदेव? इस विषय में गंभीरता से हमने सोचा है महाराज। ऊर्जा का स्पष्ट संबंध गति से, तभी मारुति में इतनी चंचलता है। वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते। हम आपका तात्पर्य समझे नहीं ऋषि। गति को यदि नियंत्रण में करना है तो आपके कुल देवता वायुदेव से योग्य और कौन है इस कार्य के लिए? वायुदेव? मारुति केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं है महाराज, वो सुमेरों के पुत्र भी हैं। वानर कुल के भविष्य हैं। बुद्धि, विवेक, ऊर्जा सभी है उनमें, केवल नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इस कारण आप दोनों को वायुदेव से प्रार्थना करनी होगी कि वो मारुति का मार्गदर्शन करें। आप दिव्य दृष्टा है ऋषिवर, आपका ये उपदेश हमें उचित जान पड़ता है। हम अविलंब ही वायुदेव की पूजा का आयोजन करेंगे ताकि उनके आशीर्वाद से हमारे पुत्र का कल्याण हो। अभी तक हमने तुझे पालक समझ कर छोड़ दिया था, यदि फिर से गरुड़पुरी के नियमों को तोड़ने का प्रयास किया तो हम तुझे कठोर दंड देंगे। अरे, हम आपसे प्रेम से बात करें और आप? अंतिम चेतावनी दे रहे हैं तुच्छ वानर, चला जाए यहाँ से, अन्यथा। अन्यथा क्या? क्या कर लेंगे आप? अच्छा हुआ आपने हमारे साथ ऐसी भाषा का प्रयोग किया। अर्थात? अर्थात अब तक हम गरुड़पुरी के नियमों का पालन कर रहे थे, परंतु अब हमें पता चल गया है कि आप हमारे भाभी गुरु से हमें मिलने नहीं देंगे। अब तक आपने शांत और सुशील मारुति को देखा है, अब होंगे दर्शन उदंत और कुतल मारुति के। पकड़ो इस मायावी बालक को। अच्छा, तनिक दिखाया मैं पकड़ के। पकड़ो इस बालक को। कहाँ गया वो वानर बालक? क्या हुआ? लगता है आप लोगों ने भोजन नहीं किया, तभी भाग नहीं पा रहे। जल्दी से गति बढ़ाइए। वाह चल बालक,
अभी दिखाते तुझे। रुक। ए। वो अनर बालक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करते उस तरफ देखते। चलो आओ। अब कहाँ जाओगे वो अनर बालक? हमारी चमत्कारी पूछ दिखा दीजिए अपना चमत्कार इन लोग को। कौन है वो दुस्साहसी जिसने हमारे राजकीय उपवन में प्रवेश कर उत्पात मचाया? उसे बंदी बनाकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा तुझे बंदी बनाकर हमारे राजा महाराज गरुड़ के पास प्रस्तुत करेंगे हम। हो गया हमारा काम। ओ, इतने सारे वीर योद्धा, इनसे कैसे लड़ पाएगा वानर बालक? लो, हमने हार मान ली। ले चलिए बंदी बनाकर अपने महाराज के पास। पक्षीराज गरुड़ महाराज, यही है उदंड बालक। ये तो एक वानर है। पहचान लिया मैं। तो इसीलिए तुमने इतनी उछल कूद मचाई है। हे वानर बालक, गरुड़पुरी तो इतनी उच्चता पर है कि पक्षियों के अतिरिक्त यहाँ और कोई जीव आ ही नहीं सकता। हमें आश्चर्य है कि तुम इतनी ऊंचाई तक पहुँचे कैसे। सर्वप्रथम आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें गरुड़राज। हम किसी नंदन अंजलि पुत्र मारुति हैं। हमें यहाँ पहुँचने में सैकड़ों संकट आए, परंतु हमें आपसे मिलने की तीव्र इच्छा खींच लाई। अच्छा, और क्यों जागृत हुई है इच्छा? हमें आपसे उड़ने की कला सीखनी है महाराज। कृपया आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। उड़ने की कला, ये वानर? तो एक वानर होकर तुम उड़ने की इच्छा रखते हो और तुम चाहते हो कि हम पक्षीराज गरुड़ तुम्हारे गुरु बन जाएं? तो अब वानर भी उड़ेंगे? मूड वानर, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कहां सीखी तुमने? वानर हो, वृक्षों पर उछल कूद करो, मनोरंजन करो। ये उड़ने का स्वप्न मन से त्याग दो मूर्ख। सत्य कहा आपने मंत्री जी, वानर वृक्षों पर उछल कूद करते हुए ही अच्छे लगते हैं, आकाश में उड़ते हुए नहीं। वानरों का कार्य है पूंछ उठाकर मनोरंजन करना, पंख फैलाकर नभ में विचरण करना नहीं। समझे बोले बालक? महाराज, क्या दंड दिया जाए इस मूर्ख को? भरी सभा में जो तुम्हारा तिरस्कार हुआ है वही तुम्हारा दंड है। क्यों वानर, लज्जा आ रही होगी ना स्वयं पर? भूलना मत इस अनुभूति को।
और भविष्य में कभी भी ऐसी मूर्खता करने का विचार भी आए तो आज का दिन स्मरण कर ले, और यह भी स्मरण रखना कि वानर कभी उड़ नहीं सकते, कभी उड़ नहीं सकते। सैनिकों ले जाओ इसे और गरुड़पुरी की सीमा के बाहर फेंकाओ, ले जाओ। ओम नमो वायुदेवाय नमः, ओम नमो वायुदेवाय नमः, ओम नमो वायुदेवाय नमः। महाराज केसरी, देवी अंजनी, यज्ञ संपन्न हुआ, अब आप दोनों वायुदेव के सामने अपनी प्रार्थना रख सकते हैं। हे वायुदेव, कृपया हमारे पुत्र का मार्गदर्शन कीजिए ताकि उनका हर कदम धर्म और सत्य की ओर हो। हमारे पुत्र को शक्ति देना प्रभु, ताकि वो मार्ग में आने वाली हर कठिनाई का सामना कर सके। जा, जा वानर, यहां से आया है उसी घने वन में वापस लौट जा। गरुड़ राज को अपना गुरु बनाने आया था ना तू? सीख मिल गई कि वानर कभी उड़ नहीं सकते। प्राण दान मिला है, चल यहां लौट जा। सब हंसते थे हम पर, क्योंकि उन्हें लगता है कोई वानर उड़ नहीं सकता। उससे पूर्व कोई वानर होना नहीं यही सत्य है, परंतु उससे बड़ा सत्य हमारी ये है कि हम एक बार उड़ चुके हैं। यदि उस दिन बिना सीखे बिना किसी गुरु के उड़े थे तो आज क्यों नहीं। हम ये सिद्ध कर देंगे कि गरुड़ की सहायता के बिना ये वानर उड़ सकता है। वानरों का कार्य है पूंछ उठाकर मनोरंजन करना, पंख फैलाकर दब्बे विचरण करना नहीं, और यह भी स्मरण रखना कि वानर कभी उड़ नहीं सकते। सैनिको ले जाओ इसे और गरुड़पुरी की सीमा के बाहर फेंकाओ। जा। हे वायुदेव, कृपया हमारी मारुति का ध्यान रखें, हर संकट से उनकी रक्षा करे प्रभु। जो एक बार हुआ वो दूसरी बार भी होगा, हम फिर उड़ेंगे। मारुति अपने नेत्र खोलिए। कौन है आप, कोई देवता है? वायुदेव है हम। वायु
पास हो रहे हैं। वास्तव में वैसा ही है जैसे अपने स्वप्न में देखा है। आप कितने भाग्यशाली हैं वायुदेव, आप तो उड़कर कहीं भी जा सकते हैं।